हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ इवन नंबर और ऑड नंबर की वर्कशीट्स, जिससे हम कैसे बच्चों को आसानी से समझाएं। लेकिन वर्कशीट से पहले हमें उन्हें बच्चों को समझाना होगा इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं टू से वो इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इनका रिमाइंडर जीरो होता है, जैसे सिक्स है तो टू थ्री जो सिक्स, यहाँ जीरो हो गया, तो ये जो सिक्स हो गया वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो हमें बच्चों को समझाना होगा कि जो नंबर टू से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, ओके, तो वो इवन नंबर कहलाते हैं। या फिर हम उन्हें आसान शब्दों में ये भी समझा सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में जीरो आए, टू आए, फोर आए, सिक्स आए और एट आए, ठीक है, ये सारे नंबर आए तो वो इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है, ये हो गए। अब जिस भी नंबर के लास्ट में जीरो आए, टू आए, फोर आए, सिक्स आए, एट आए, जैसे फोर एट है तो एट आ रहा लास्ट में, तो ये हो गया इवन नंबर, ओके, तो ये हो गया। अब ऑड नंबर क्या होता है, तो ऑड नंबर ठीक इसके अपोजिट, तो जो नंबर टू से डिवाइड नहीं हो पाते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर सेवन की बात की जाए तो टू थ्री जो सिक्स, रिमाइंडर हो गया वन, यानी यहाँ जीरो नहीं आ रहा है तो सेवन हो गया ऑड नंबर। तो अगर इससे भी हमें आसान शब्दों में समझाना हो बच्चों को कि ऑड नंबर क्या हुए, तो जिस नंबर के लास्ट में आए आपको वन, थ्री, फाइव, सेवन और नाइन, ठीक है, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, ये हो जाएंगे ऑड नंबर, ओके, ये हो जाएंगे ऑड नंबर। तो जैसे कि 23 हो गया, इसके लास्ट में 3 आ रहा है तो ऑड नंबर, ओके, 37, तो इसके लास्ट में 7 आ रहा है तो ऑड नंबर। तो इस तरह से हमें बच्चों को समझाना होगा कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक जानकारी जो हमें बच्चों को देनी है। उसके बाद फिर हमें इस तरह से वर्कशीट्स बना के देने होंगे बच्चों को कि उन्होंने अच्छे से समझा या नहीं। जैसे इसमें मैंने दिया है काउंट एंड राइट इवन और ओड, ओके, तो इसमें क्या करना है बच्चों को कि जैसे ये कुछ फोटोज इस तरह से मैंने ड्राइंग कर लिए हैं, ओके, तो जैसे ये वन और टू है तो टू क्या होता है, तो इवन नंबर होता है, तो बच्चे यहाँ लिखेंगे इवन, ओके, इवन, ओके, अब जैसे वन, ये पेंसिल है, वन टू थ्री है, तो ये थ्री है तो थ्री होता है ऑड, तो फिर ऑड लिख देगा बच्चा, ओके। चाहे तो आप यहाँ पर नंबर लिखने के लिए भी दे सकते हैं साथ ही साथ, जैसे वन टू है तो यहाँ पर टू, यहाँ थ्री, इस तरह से भी दे सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप नंबर भी डायरेक्ट आप वर्ड इवन और ऑड भी लिखने के लिए दे सकते हैं। तो ये बॉल है तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव होता है। तो बच्चा अगर ये जानेगा कि जिस नंबर के लास्ट में वन आए, थ्री आए, फाइव, सेवन, नाइन, ये बच्चे को पूरी तरह से याद करवा देना है ऑड नंबर का जो होता है वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन। तो ये किसी नंबर के लास्ट में आए तो वो ऑड नंबर है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें फाइव आ रहा है तो ये हो गया ऑड नंबर, ओके। उसी तरह जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, ओके, तो ये किसी नंबर के लास्ट में आए या फिर वही नंबर आए तो वो हो गया इवन नंबर, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स आ रहा है यानी कि इवन नंबर हो गया। इस तरह से हमें बच्चों को करवाना, ये देखिए ये मैंने इस तरह से आइसक्रीम मैंगो इस तरह से बना दिया है, ओके, ये हो गया। तो ये इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर होगा और हम लोग को भी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं। अब जैसे ये दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स स्टेटिंग इवन और ऑड, जैसे इसमें नंबर दे दिया गया और यहाँ बच्चे को लिखना है इवन और ऑड, तो बच्चे को अगर याद है कि लास्ट में आता है जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, तो एट आ रहा है, इसका मतलब ये इवन है तो इवन, मतलब जिस भी नंबर के लास्ट में जीरो आए, फोर, टू आए, ठीक है, सिक्स, फोर, एट आए तो वो इवन नंबर है, और एटीन इसमें भी एट आ रहा है तो इवन हो जाएगा। सिक्स है मतलब बच्चे को याद रखना है, इसमें सिक्स है तो इवन लिखेगा। अब देखिए इसमें सेवन है तो वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन आता है ऑड नंबर के लिए, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, तो सेवन है इसका मतलब ये ऑड है नंबर। इसी तरह टू है तो इसका मतलब इवन है,
तो इस तरह से हमें देना है बच्चों को वर्कशीट्स। ओके, ये हो गया दूसरा। अब नेक्स्ट, राइट द नेक्स्ट नंबर एंड स्टेट इवेंट और ऑड, मतलब इसमें नेक्स्ट नंबर लिखना है और इसके बारे में बताना है कि वो इवेंट है या ऑड है। ओके, जैसे 13 है तो यहाँ नेक्स्ट नंबर या फिर आफ्टर नंबर वो लिखेगा 14। अब इसके बारे में बच्चा बताएगा कि ये इवेन है या फिर ओड है। तो लास्ट में है 4, तो ये हो जाएगा इवेन इस तरह से। अब ये 96 है तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 97, तो ये हो गया 7, तो इसका मतलब हो गया ये ओड नंबर है। उसी तरह 80 है तो ये 81 हो गया, तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ओड नंबर है। ओके, इस पे लेके नहीं चलना है, नेक्स्ट नंबर पे हमें लिखना है। नेक्स्ट नंबर के लिए वो बच्चे लिखेंगे इवेन है या फिर ओड है। तो इस तरह से ये वाला वर्कशीट हो गया। ओके, अब इसमें देखिए क्या करना है। इसमें जो है, इसमें क्या करना है कि इसमें स्किप वन करके बच्चों को कट करना है। जैसे पहला नंबर जो है वो हमें कट कर दे, हम ही कट कर देंगे। ओके, तो जैसे ये कट कर दिया, अब बच्चे को बताना है कि एक नंबर स्किप करके, मतलब एक एक नंबर स्किप करके तुम्हें कट करना है। फिर वो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ओड है, वो तुम्हें पता चलेगा। तो ये बच्चे करेंगे इस तरह से। तो बच्चे वन स्किप करके आपको कट करेंगे। जैसे ये वन स्किप कर दिया, ये कट हुआ, ये वन स्किप कर दिया, ये कट हुआ। फिर इसी तरह से बच्चे इस तरह से वन स्किप करके कट करते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से बच्चे जब वन स्किप करके कट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा लास्ट में कि जो कट किए हुए नंबर है वो ओड नंबर है। ओके, जैसे ये देखिए, ये कट किए हुए नंबर ओड नंबर है, और वन स्किप करके जो जो नंबर नहीं काटे गए हैं वो इवन नंबर में आ जाएंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इस तरह से बच्चे समझेंगे कि हाँ ये भी है। ऐसे भी होता है कि चलो ये इवन नंबर हो गया और जो कट किया हुआ है वो ओड नंबर हो गया, मतलब वन स्किप करके जो हमने काटा वो इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर, और जो रह गया वो इवन नंबर हो गया। तो इस तरह से मैं बच्चों को वर्कशीट्स बना के देनी है जिससे उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। और इस तरह से वर्कशीट्स हम बना के देंगे। ओके, ये सब। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ही था इवन और ऑड नंबर का जो वर्कशीट था। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।